हाय गाइस, दिस इज मी देव शुक्ला और मैं और धनंजय प्रताप सिंह आज आए हैं इसमें PSIT कॉलेज, जो कि अमर उजाला की तरफ से आयोजित किया हुआ एक मीडिया समिट था, मीडिया कॉन्क्लेव। तो इसमें हम लोग को अमर उजाला परिवार ने दो इन्विटेशन दिए थे। तो गाइस, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है फन। और सुनने में आ रहा है कि राजू श्रीवास्तव, जॉन अब्राहम और राजवर्धन सिंह राठौर और तमाम बड़ी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो इट विल बी फन। तो देखते हैं। और राजू श्रीवास्तव जो वीडियो होगा वो आपको इस वीडियो अपने सेशन के बाद इसी वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ रहिए और मजे लेते रहिए। लोग सोचते हैं सब वहां के टुन्न ना हो जाए, मूर्छित ना हो जाए, तो कौन हमें कौन जगह बोले अफीम कोठी। लाठी मोहाल, अफीम कोठी, झकर कटी, तेरी भटी, ये कौन सी मोहल्ला, बासे नाका, हिंडोला, ये मोहल्ले हैं बर्रा। मने मन बोली होगी बहुत महीन वाला है। फिर हमसे बोली, अच्छा भैया एकदम से आए, और कुछ तैयारी है नहीं, कुछ खा लो। उनका ठीक है, क्या है, भूख तो लगी थी। कहना ब्रेड धरी है, तो ब्रेड में कहो तो शहद लगा के दे दे। हमने खबरदार शहद दिया। कल नवरात्रि खत्म है क्या, मतलब नहीं कि हम आज टूट पड़ी। हमने कहा शहद नहीं, शहद झूठा होता है, शहद मधुमक्खी के मुंह से निकला होता है। विजय भैया आपको भी नहीं ध्यान होगी बात, ये शहद जो है मधुमक्खी के मुंह से निकला होता है, झूठा होता है। तो बोले अच्छा, मुंह से निकली चीज नहीं खाते हैं, तो अंडा बना दे। एक चीज अभी हमने कानपुर को लेके बनाया है, अभी कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, आपको भेजा वीडियो बनाएंगे तो भेजेंगे, पहले आज सुना है। तुम जेब से हाथ निकालो, जब कोई देख नहीं रहा है, घबर घबर घबर। राजकुमार और दिलीप कुमार तो नोटबंदी पे क्या बात करते हैं, परेशानी तो उनको भी होती, तो नोटबंदी पे दोनों एक्टर। अरे यार कौन कर रहा तुम, थैंक यू भाई साहब, बिल्कुल घमंड नहीं है भाई साहब, अभी विद्वान आदमी है, ये गोबर सूंघ के बता देते भैंस की उम्र क्या है। एक दिन विजय भैया इनके घर हम गए मिलने, तो भाभी ने बिठाया सोफे, बैठ जाओ, बैठ गए। ये नहा रहे होंगे बाथरूम में थे, हमने इसे कहा अरे वीरेंद्र कैसे हो, ये ऐसे ही निकल आए, बोले ऐसे ही। नौगढ़ के नौ तो ऐसे ऐसे आपसे कानपुर के प्यारे प्यारे लोग हैं, बहुत मजेदार। एक टेम्पो देखा था पिछली बार, उसमें लिखा था, ये तो खैर टीवी पे किया है कई बार, तुम बहुत महंगा टिकट लेके आए, फरमाइश कर रहा आगे, फरमाइश वो सुनाओ नवाब आए लखनऊ के, ये नवाब लोग क्या करते, जब खाना वाना खा लेते हैं फ्री का, अभी फोकट का खाया हुआ है यहाँ पे, ये लोग जब खाना वाना खा लेते हैं लस्सी वस्सी पी के, ये लोग पैर पे पैर ऐसे रख के कहते हैं अब कुछ सुनाओ, ये वो वाले जरूर जरूर सुन। कौन सा बोल रहे थे भैया, अबे इतने बोल लेगा सुबह तक सुनाएगा। अच्छा हम अपनी तरफ से सुना रहे, मजा आ रहा है ना, बहुत ऐसी बातें करेंगे आते हैं सब लोग भाई को हंसाओ ऐसी तैसी, और कोई कुछ कहे तो कह दो राजू भैया कहीं गए, हम बचा नहीं पाएंगे। ये बहुत देर बाद पेशाब के लेट हैं, पहले बहुत देर सोचा है, पिता चलो कर डॉक्टर साहब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कुछ लोगों को, कुछ लोग रोके हुए थे, तो यूं मिल रहे, राजू भाई कैसे, सब ठीक है,
कैसे बॉम्बे से कैसे अभी? अच्छा सब ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, रोके हुए था थोड़ी देर में, एकदम देखा यूं आ रहे हैं, और भैया क्या आ रहे हैं आधी बाल्टी अब जेका इसी बातें ना सुने को बाहर चला जाए कहू ना जाए अंदर से सब लोग वही है जैसे हम बातें कर रहे हैं। चाहे लिखी टाई पहन लो चाहे सूट पहन लो, बड़े से व्हाट्स योर नेम? अच्छा अभी गाड़ी मंगा दीजिए। अच्छा अच्छा खाने की क्या रिक्वायरमेंट? देखिए जहाँ तक मुझे याद है कानपुर से मैं 1982 से निकला, मुझे याद आता है मैं इन्होंने मारो पकड़ पकड़ के मैंने हंसना ही भूल गए, हंसते नहीं, बड़े आदमी हो गए, गंभीर हो गए, सब भूल गए, बचपना अपना सब छोड़ छाड़ दिया, पैसे वाले हो गए, पैसे वाले बहुत नहीं हंस पाते, टेंशन में रहते। राजकुमार 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 नोटबंदी विक्रम सिंह, विक्रम सिंह नोट तो हम भी चेंज करवाएंगे लेकिन हम में और तुम में एक फर्क होगा, हम जहां नोट बदलवाएंगे वो वक्त हमारा होगा, वो बैंक भी हमारा होगा, वो बैंक का मुलाजिम भी हमारा होगा और वो प्रॉपर्टी भी हमारी होगी। दिलीप कुमार वो बैंक भी तुम्हारा, उसका मैनेजर भी तुम्हारा, फिर कमाल करते हो राज, कमाल करते हो, सुना तुमने कुछ भी लीगल सोच ले मगर याद रखना जिस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है उसकी नजर हर इलीगल आदमी पर है। सुना तुमने हाँ सुन लिया, आधार कार्ड लेने जा रहे हैं। अरे उस समय मैंने देखा वो जगह जगह लाइन लगी, यहां मैंने यहां इधर माल रोड पे यहाँ भी मेरा अकाउंट था तो वहां गए, वहां लंबी लाइन लगी, एक कोई था हट्टा कट्टा बड़बड़ा रहा, ये व्हाट इज क्या है ये तरीका क्या है, आई डोंट लाइक यार नोट चेंज क्या और कोई काम नहीं किया, दिस नॉट वे यार, 4 hours आई स्पेंड हियर, 4 hours ब्रदर, 4 hours लाइन में खड़ा हो यार, लाइन खिसकने की है, व्हाट इज नोटबंदी गोइंग ऑन बुलशिट, दिस इज नॉट वे यार, आई फेड अप दिस यार, नोटबंदी व्हाट नोटबंदी, कुछ काम नहीं मिला तो ये कर दिया, 4 घंटे से खड़ा भाई साहब, सब काम धंधे छोड़ के खड़ा हो, कब से खड़ा हो। पीछे एक चाचा थे उन्हें समझाया, अच्छा चार घंटे में बोल गए तुम, तुम्हारा देश की तरक्की में क्या योगदान है, जरा सा खड़े नहीं हो सकते? अरे उनकी सोचो, हमारे जवान जो सियाचिन में खड़े उनकी सोचो, उनके बारे में सोचा -60 में वहां पर, उनकी सोचो डगमगा गए। चाचा लंबी लंबी काय छोड़ रहे हो, मैं खुद आर्मी में हूं, मेरी पोस्टिंग सियाचिन में ही है, वहां भी तैनात हूं यहां भी तैनात हूं, तो ये किससे खूब देखने सुनने को मिलते थे उन दिनों। और आज तक मेरी समझ नहीं आए जो व्हाट्सएप चल रहा है, कभी कभी तो लगता है कि टीवी ना देखो, न्यूज चैनल ना देखो, प्रिंट वाला ठीक है, अमर उजाला पढ़ो, ये पढ़ो ठीक है, ये न्यूज चैनल से पता चलता है हिंदू मुस्लिम इतने अलग है, हमें तो आइडिया नहीं रहा, हम तो सुबह इकबाल आलम के घर पे बिरयानी खा के मुझे इतना बवाल नहीं रहा, हमें आइडिया नहीं, ये सब न्यूज चैनल गड़बड़ कर रहे हैं, बातें बढ़ा बढ़ा के, अब व्हाट्सएप कौन बनाया वो आदमी में मिल नहीं रहा। व्हाट्सएप आने के बाद मेरे कई दोस्त जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, व्हाट्सएप के बाद 2 कौड़ी के नहीं रहे मेरी नजर में, अब इतने खाली बैठे इतने निठल्ले।
14 पेज के मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, पढ़ के नीचे रिएक्ट भी कर रहे हैं, HAHAHA। अबे ये कौन लोग हैं जिनके घर में रात को 1:30 बजे सूरज निकल रहा है, रात को 1:30 बजे भाई साहब ये लोग गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देते, एक चाय की प्याली बना दी कि 2 गुलाब के फूल जा पकड़ो सुप्रभात। अबे हमने कहा 1:30 बजे कौन सी सूरज किरणें इनका फूट रही है, फिर मुझे लगा रात को ये उठे होंगे इसके लिए, सोते सोते गया वो नींद में मोबाइल निकाल के मारा होगा सेंड। अब आप समझ जाओ आपकी सुप्रभात कहां से होके आ गई। अच्छा कुछ विज्ञापन स्काई शॉपिंग होती है ना, स्काई शॉपिंग वो रात को 12 बजे के बाद होती है, ये विज्ञापन इसमें जो एड आते हैं टीवी पे वो 12 बजे के बाद आते हैं। अभी 12 बजे के बाद क्यों दिखाते हो कि तुम्हारा माल ऐसा है जो रात में बिकता है, या उस प्रोडक्ट के मालिक कहते होंगे सब सो गए, सो गए सब सो गए बेचो सारे। ये कौन सा माल है रात को बिक रहा है। अच्छा उसके विज्ञापन करने वाले भी पूरा नाटक करके पहले मैं बहुत परेशान था, मैं चल भी नहीं पाता था, मेरे घुटने बेकार हो गए थे, मैं एक जगह बैठा रहता था, चल भी नहीं पाता था, पैरों से लाचार था, फिर मैंने पंजाब नेशनल बैंक में लोन ले लिया और अब मैं भाग सकता हूं। मोदी सर अच्छा लगा भैया, जोरदार तालियां इनके समर्थन में।